कोरोना के बाद लाइफलाइन अस्पताल जीरकपुर अब दोबारा से सुर्खियों में आ गया है। बीती रात यहां एक महिला का ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। परिवार को इस बात का सुबह पता लगा। मृतक की बेटी ने बताया कि वह अपनी माता को यहां लाइफलाइन अस्पताल में रसौली का ऑपरेशन करवाने के लिए लाए थे। डॉक्टर द्वारा रात करीब 10 बजे उनका ऑपरेशन किया गया और हमें ऑपरेशन सफल होने के बारे में बताया गया, लेकिन सुबह डॉक्टर तबीयत खराब होने की बात करने लगे। जब ऑपरेशन थिएटर में जाकर देखा तो वहां सारा सामान बिखरा हुआ था और वहीं बेड पर उनकी माता का शव पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि अस्पताल आते समय उनकी माता बिल्कुल ठीक थी। हम छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बहन भाई है, हमारे सर पर तो बाप का भी सहारा नहीं है। माई थी जो चली गई, छोटे छोटे बहन भाइयों को कैसे संभाले। एक लड़का ठीक नहीं है, और दो बच्चे और क्या हुआ है, किसकी डेथ हुई? मेरी मम्मा की। क्या हुआ था रात को? रात को डॉक्टर ने पहले बोला ऑपरेशन पूरा हो गया है और उनको शिफ्ट कर दे हैं, लेकिन 12 बजे के बाद उन्होंने फिर ऊपर बुलाया। हाँ जी, मैं कल सुबह 10 बजे से यहाँ पर हॉस्पिटल में थी। मेरे नाम खुशबू है। मेरी मम्मी ठीक थे, बस रसौली का ऑपरेशन करवाना था मम्मी का, तो किसी डॉक्टर ने यहाँ पर रेफ़र किया था, तो मैं अपनी मम्मी को यहाँ पर लेकर आ गई। उसके बाद उन्होंने 2 दिन तक तो यहाँ पर हॉस्पिटल में रखा, और उसके बाद कल तो खाना पीना और पानी भी बंद कर दिया था परसों रात से। तो 5 बजे कल शाम को ऑपरेशन था, फिर ऑपरेशन थिएटर में 5 बजे से पहले लेकर चले गए मम्मी को, और उसके बाद रात को 8:30 बजे डॉक्टर आया और बोलते आपकी मम्मी ठीक है, बिल्कुल ऑपरेशन सही रहा, सक्सेस हो गया है। मैंने उनको बोला ठीक है, तो फिर मैंने बोला कब तक आप शिफ्ट करोगे? तो बोलते अभी थोड़ा सा टाइम है, वो रेस्ट करें, बेहोश है। फिर होश होने के बाद मैं 10 बजे तक, 12 बजे तक मैंने वेट किया, उसके बाद मैं घर चली गई थी। घर जाने के बाद में मेरी सिस्टर की कॉल आई, कहती मैं मम्मी को देख कर आई, उनके मुँह में पाइप लगाया हुआ है, वो बोल नहीं पा रहे, उनकी आँखें हिल रही है, और रात को ही मम्मी की दर्द हो गई थी, वो रहे नहीं थे। कितने बजे करीब रात को डेथ हुई है पता लगा आपको? जब पता चला हमें सुबह बताया और रात को ही हो गई थी, झूठ बोला है डॉक्टर ने। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, क्या वो अभी हॉस्पिटल में मौजूद है? सुबह ही भाग गए बोल कर, कह रहे मुझ कभी तो ऐसा हुआ नहीं, आज कैसे हो गया, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही, मैं क्या समझाऊँ आपको, और वो भाग गए। और ये भी बताया गया है कुछ लोगों द्वारा कि वो हाथ और पांव बांधे हुए थे। हाँ, वो किस कारण से बांधे हुए? चारों हाथ पैर बांधे हुए थे और मुंह में बहुत बड़ा पाइप लगा रखा था, ब्लड नाक से ब्लड निकल रहा था, मुंह से ब्लड निकल रहा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, देखा भी नहीं गया। अब आप क्या प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं? मैं ये चाहती हूँ अगर पहले ही इनको अगर पता था कि ये लोग नहीं कर सकते ऑपरेशन, अगर हमें रात को ही बता देते, हम कहीं तो अपनी मम्मी को लेकर जाते ना रेफर करवा के। जी आपका? मैं मरने वाली की बहन हूँ, बड़ी सिस्टर हूँ। तो क्या हुआ था माता जी कल? बस माता मरने का पता दिया इन्होंने, अब जो खत्म हो गई। कितने बजे आपको पता चला है सुबह? करीबन कितना टाइम था? 9:30 बजे। मैं पीजी में जॉब करती हूँ, मैं ड्यूटी पे तो मेरे को ड्यूटी पे ही मेरे भाग जाना है, इसमें शिवा नाम उसका बेटा ही है, उसने मेरे बेटे को फोन किया है, मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया है, कहते मम्मी भाई का फ़ोन आ और मासी की तबीयत खराब है, सीरियस है। मेरे बेटे को नहीं पता था उस टाइम के मासी ख़त्म हो गई, फिर मैं वहाँ रोने लगी, मैं सिस्टर से छुट्टी मांगने लगी, यहाँ पे आने के करके मैंने सिस्टर को बोला सिस्टर जी मेरे को मैं घर जाना, मेरी बहन की तबीयत ज़्यादा खराब है, सीरियस है। वो कहने लगे ठीक है सुपरवाइज़र से बात कर लो और आप चले जाओ। फिर मेरे को ना गांव से फ़ोन आया, मेरे छोटे जीजा का है कि आपको पता है निशा मेरी बहन का नाम लेकर कहते वो ख़त्म हो गई है। नहीं मैंने कहा ख़त्म मुझे नहीं पता लगा, मुझे तो सीरियस का पता लगा है। तो मैं छुट्टी करके मैं अपने घर भी नहीं पहुंची हूँ,
मैं कपड़े चेंज करके अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके मैं इधर से इधर ही अपने बेटे को बुलाया रास्ते में ही, फिर मैं इधर से इधर ही आ गई पहुँची अस्पताल में। अस्पताल में देखे आगे तो ना तो कोई सिस्टर है यहाँ, ना ही डॉक्टर है यहाँ पे, यहाँ कोई नहीं है। ये बच्चे हैं, ये तीनों बहन भाई, ये तीनों बहन भाई वहाँ तड़प रहे पड़े हैं, ऐसे ही छोड़ के भागते हैं। डॉक्टर से पूछे गए तो ऐसे ही छोड़ के भागते हैं मरीजों को मार के, ये कि पेशेंट मरने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये अभी भी बॉडी के साथ में कोई भी नहीं है, ऊपर नहीं फ्लोर पर सिर्फ बॉडी बॉडी पड़ी है मेरी बहन की। यहाँ मरने के लिए आते हैं, ये मारने के लिए बुलाते हैं कि ये ठीक करने के लिए बुलाते हैं, हमें इस बात का जवाब चाहिए भाई। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर की अनगहली के कारण डेथ हुई, उसके कारण ही ढील के उसके करके ना मेरी बहन की डेथ करी इसने डॉक्टर ने। क्या है डॉक्टर नाम किसका है, इसकी लापरवाही तो ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।